घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दस थाटों का रियाज, आप सभी रियाज करते हैं, आप सभी हिंदुस्तानी पद्धति के जो दस थाट हैं उनका रियाज करते हैं। अब उस रियाज को करते समय उन दस थाटों में जो जो स्वर लग रहे हैं वो सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई अगर आपके पास हो तो एक मदद मिल जाती है हमें कि वो कोमल लगा कि नहीं लगा, वो तीव्र लगा कि नहीं लगा उस पर्टिकुलर थाट में अगर जो लग रहा है, और वो आपने भी अगर शुरू किया है रियाज करना, अगर आप तानपुरे पर कर रहे हैं या सापसापे कर रहे हैं, तो वो सही है कि नहीं है उसकी वैलिडेशन कौन देगा, है ना। तो उसके लिए कोई चाहिए रहता है हमेशा। तो रियाज ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें थाटों का रियाज भी होता है, है ना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियाज ऐप से के ज़रिए कैसे आप थाटों का रियाज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर इसका प्रीमियम वर्जन आप ख़रीदते हैं, क्वार्टरली, एनुअल, मंथली, जो भी है, तो उसमें अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करें, SPW का जो कूपन कोड है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे एक एक करके आप थाटों का रियाज इससे है जो कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसमें हम भैरव थाट से अगर हम शुरू करें, तो इसमें कई अलंकार उसमें दे रखे हैं। तो पहला अलंकार हम शुरू करते हैं, स्पीकर से मैंने कनेक्ट कर रखा है इसे फिलहाल, ईयरफोन्स में आप ईयरफोन्स की ज़रूरत रहती है वैसे, इसमें स्पीकर पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो क्लियर आवाज़ आती है। और भैरव थाट जैसा कि आप जानते हैं, दसों थाटों को पहले आप लिख लीजिए कि कौन से थाट में कौन से स्वर लगते हैं। भैरव में आप जानते हैं रेध कोमल लगता है, इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था अलग अलग मोड्स होते हैं, तो ये सुनने वाला मोड था, लिसन मोड था, तो इसमें वो पूरा का पूरा आपसे एक लय में जो है आप सुन सकते हैं। फिर आप इसमें जब दोबारा उसको शुरू करते हैं तो दो मोड्स आपके सामने आते हैं, लिसन और प्रैक्टिस। पहले आपने सुन लिया अच्छे से, अब प्रैक्टिस मोड में जाएंगे तो एक बार वो गाएंगे, एक बार आपको मौका मिलेगा। तो प्रैक्टिस मोड में हम जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर स्वर लिखे आ रहे हैं सारे गम, और लय आपको मिल चुकी है, तो इस लय में साथ साथ में आपको गाना है, ठीक है। सारे गमा पहला अलंकार हुआ, ऐसे ही कई अलंकार आपको मिलेंगे, है ना, जिनको जिनके साथ अगर आप प्रैक्टिस करें तो काफी मदद होगी। अब जैसे अलंकार ऊपर लिखा हुआ है, सारे सारे गामा रे गरे गामा पा गामा गामा पा दा मा पा मा पा दा नी पा दा पा दा नी सा। जैसे कि मैंने तो पढ़ के तुरंत ग्रैस्प कर लिया, लेकिन आप एक बार उसको लिसन वाले मोड में जाके सुन लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए, फिर उसके साथ गाइए। ऐसे ही हम दूसरा थाट लेते हैं, जैसे कि हम काफ़ी थाट ले लेते हैं, और काफ़ी थाट में ही ऐसे ही अलग अलग अलंकार लेते हैं हम, देखते हैं कि कैसे आप, और आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहला अलंकार कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, फिर तीसरा कीजिए, है ना। अब इसमें मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस मोड ही आपको बता रहा हूँ, अभी जिसमें सारे सारे ग रे ग रे ग म है,
रे ग म ग म ग म प म प म प ध प ध प द नि ध नि द नि सा। इसमें ऐसे अलग अलग अलंकार आपको मिल जाएंगे, अलग अलग थाट आपको मिल जाएंगे, है ना। तो एक्सप्लोर कीजिए इस एप्लीकेशन को और इसके ज़रिए आप सीखना शुरू कीजिए और अभ्यास करना शुरू कीजिए, ठीक है। और अगर कोई समस्या आती है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोज़ को एंड कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।